जो अंडर पास है इसका आइडिया जब हमने कंसीव किया, इसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स थे और हमने फौरी तौर पर उनको इम्प्लीमेंट करने का हुक्म दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि लाल शाहबाज कलंदर अंडर पास मुकम्मल हो चुका है। आज जो ये अंडर पास है इसकी हम आज इफ्तिताह कर रहे हैं और इसको हम अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से मंसूब कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक फ्लाईओवर जो कि ट्रेड सेंटर के सामने गुलबर्ग के ऊपर के साथ ही जाता है, तो उसको भी हमने मुनीर नियाजी मरहूम के नाम से भी मंसूब किया है। इसके बाद जो हमारे और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें दाता गंजबख्श फ्लाईओवर जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम जारी है, इंशाल्लाह वो मुकम्मल होने के करीब है। आपका शाहकाम, आपका जो इकबाल टाउन के साथ जो हमने बनाना है, इसके अलावा भी लाहौर के जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमने मनसूबे एग्जीक्यूट करने जा रही है वो बहुत बड़े मनसूबे हैं। एक मनसूबे का मैं जिक्र करना चाहूँगा, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इंशाल्लाह एनडीए उसको बनाने जा रही है, वो होगा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जिस पर तकरीबन 50 अरब रुपए लागत आएगी और इंशाल्लाह जब ये मनसूबे हम बनाएंगे तो इनसे लाहौर और अहले लाहौर को बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ट्रैफिक की यहाँ पे होती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 5 साल के बाद जो ट्रैफिक होती है वो डबल हो जाती है, तो उसको यहाँ पे रनिंग रखने के लिए हमें इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाने की ज़रूरत है और ये इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बना रही है और पूरी शफाफियत के साथ हम काम को आगे लेके चल रहे हैं।